एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ ऋषिकेश सीरीज। सो फिलहाल अभी मैं ऋषिकेश से चेकआउट कर रही हूँ। हम लोग यहाँ से चेकआउट करके अभी हम लोग जाने वाले हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में मैं एक दिन स्टे करने वाली हूँ। फिलहाल बजे है सुबह के कुछ 11 बज रहे हैं अभी, तो अभी जाएंगे हम लोग, रेडी हो गई हूँ। फिर अभी हम लोग जाएंगे, नाश्ता करेंगे कुछ, फिर यहाँ से हम लोग शेयरिंग ऑटो या कुछ देख के हम यहाँ से हरिद्वार जाएंगे। सो आई विल लेट यू नो हाउ एवरीथिंग इज, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अभी हमारी बैग्स रेडी है, और ये था हमारा रूम जो हमने लिया था। सो नाउ वी हैव बीन चेक्ड आउट, क्योंकि अभी अच्छा दिख रहा था। जब हम आए थे तो हम बस ऐसे ही घुस गए थे अंदर, सब डाल था, सो डिडंट गिव यू अ रूम टूर और एनीथिंग, बट दिस इज द रूम। आप बाहर से देख सकते हो, यहाँ पे भी है वॉशरूम एंड स्टफ। यहाँ पे अभी रेडी है सब सामान, अभी हम जाएंगे। यहाँ पे लिफ्ट भी है, फर्स्ट फ्लोर पे था हमारा, बट यहाँ पे लिफ्ट भी है। सो नाउ वी आर चेकिंग आउट, आई गेट लिफ्ट। सो अभी समय आ गया है हमें यहाँ से निकल के। यहाँ की लिफ्ट भी अच्छी है, चेकिंग आउट। यहाँ पे सब सामान आ गया है, डिंग डिंग डिंग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे हरिद्वार। इसको बहुत नाटक था, इसने लाइट्स बंद कर दी, बताओ लाइट्स बंद कर दी। सो अभी हम लोग आगे से थोड़ा मार्केट में आए हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के लिए यहाँ पे एक स्टॉल है, बदनाम वाला। इसके पास वॉफिल चाय और सब कुछ है। सो वी हैव ऑर्डर्ड अ वॉफिल चाय, जो आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, सो आई हैव ऑर्डर्ड दैट एंड अ बन मस्का, वो ऑर्डर किया है। सो आएगा तो लेट मी टेस्ट इट एंड लेट मी टेल यू कि वो कैसा है। अगर अच्छा होगा तो आप आके डेफिनेटली अभी ट्राई करना, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव हर्ड, नॉट इन ऋषिकेश, दिस इज समथिंग न्यू। वॉफिल चाय जो है सो वो बन रही है, एक बार आ जाएगी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट इट। सो गाइस, हमारा बन मस्का, ये रहा वॉफिल चाय, थोड़ी गर्म है इधर रखी है, और ये मसाला चाय। डिड यू लाइक इट? बन मस्का कैसा है? अच्छा है, एवरेज। चाय इज गुड। ये कॉफी कैसी लगी? कॉफी इज मच बेटर। और बन मस्का? बन मस्का तो बहुत प्यारा है। चलो लेट्स हैव बन मस्का, लेट्स ट्राई। मस्का थोड़ा कम है, बन ज़्यादा लग रहा है। ओकेश मतलब ब्रेड बटर, बट बटर बहुत कम है। ये तो पिघल रहा है यार। एक कुल्लड़ दे दो भैया, वो वॉफल पिघल रहा है। चाय मैंने कुल्लड़ में डाल दी, क्योंकि ये कोन जो है वो पिघल गया था। सो आई विल जस्ट हैव अ कोन फर्स्ट एंड देन आई विल हैव चाय। अभी हम लोग जाने वाले हैं लंच के लिए, और लंच के लिए हम आए हैं यहाँ पे फेमस जो है छोटी वाला रेस्टोरेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं आपके, आपका स्वागत करने के लिए। बाबा जी इनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं ना आप यहाँ पे। सब आओ यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ। अभी हम भी जाएंगे यहाँ पे खाना खाने, बढ़िया सा। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ जी, आइए और खाना खा जाइए आप। सो गाइस, अभी मैं अपना सामान जब रूम में डाल के आई हूँ, हरिद्वार में हूँ, और अभी मैं फेमस जो छोटी वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे मैंने अपना लंच करने वाली हूँ। बीच यहाँ पे बहुत सारे छोटी वाले, तो आप नहीं पता कर पाओगे कि ओरिजिनल वाला कौन सा है। तो फिलहाल मुझे एक छोटी वाला, सारे छोटी वाले में रश होती है वापस। फिलहाल यहाँ पे एक छोटी वाला है जो मुझे यहाँ पे जगह मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्राउड है, बैठने की भी कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना लंच ऑर्डर किया है, जो एकदम ऑपोजिट हर की पौरी जो घाट है उसके सामने बहुत सारे छोटी वाले हैं। फिलहाल अपना लंच जो है वो ऑर्डर किया है, सो बस वो आने वाला है। तो मैं आपको वो टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है, कैसा मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा। तो मैंने जो यहाँ पर थाली ऑर्डर की है, बिकॉज एक एक सब्ज़ी ऑर्डर करने से बेटर है कि मैं जो पूरी थाली है वही खा सकूँ, जो भी मिलेगा सब कुछ आई कैन
प्लेट देख सकते हैं पूरी साफ। इतनी भूख लगी थी हम लोगों की, हमने पूरा खाना चट कर गए, लिटरली हम सब कुछ खा गए। आप देख सकते हैं हमारी ख्याली प्रूफ है, यहाँ का खाना इतना बढ़िया था। और पहली बार ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो अभी आप देख सकते हैं मैं तैयार होकर आ गई हूँ मेरे होटल के एग्जैक्ट सामने। आप देख सकते हो यहाँ पे हर की बॉडी थी, तो अब हम लोग गंगा में डुबकी लगाने जाने वाले हैं। सो मेरे को पता नहीं कि अभी पानी का टेम्परेचर क्या होगा, बट फिलहाल मेरे टाइम के हिसाब से मुझे अभी टाइम मिला है कि अभी हम लोग ने खाना खाया है, खाना खा के अभी हम लोग थोड़ा डुबकी लगाएंगे। बिकॉज हम लोग आए, फिर हम लोग ने रूम में गए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, फिर हम लोग खाना खाने गए, तो उसकी दौर में अभी 5 बज गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने। आप देख सकते हो गंगा का पानी कितना अच्छे से बह रहा है। सो यहाँ पे से एंट्रेंस है, यहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले डुबकी लगाने। यहाँ पे है लोग, बट आप देख सकते हो कितना, मतलब वो साइड पे है गर्दी और यहाँ पे पूरा पानी साफ और खाली है। सो नाउ आई एम गोइंग टू इनसाइड और अमेजिंग शॉट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। कैसे लगाऊं? Come on dear, you can do it. चेन पकड़ के कर। वो वाली दूसरी पकड़। नहीं मेरे को पकड़ लिया। डुबकी तो लगी। कुछ भी हो चेन नहीं छोड़ने का है। डुबकी ले रहे आए थे, पर ज्यादा भिगा के बैठ गए। इससे ज्यादा हिम्मत तक नहीं हो रही, इतना ठंडा। हिम्मत खत्म हो गई है, डुबकी भी नहीं लगाई है अब तक, इतना ठंडा पानी है। जैसे जैसे इधर तक तो डुबा के बैठ गए, इससे ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही है। बट विल डू इट, करना तो पड़ेगा ही। We don't have any option. ये कुछ का बॉडी टेम्परेचर लेवल भी ला रही है। जय काल माँ काल, हर हर माँ काल। गाइस अभी डुबकी लगा के हो गए, 6 बज गए हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग भी रूम में जा रहे हैं, अपने कपड़े चेंज करेंगे। और जैसे सो गाइस अभी जैसे तैसे हिम्मत करके हमने डुबकियाँ लगा ली है, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। सो आई होप अभी आप जब आओ पानी इधर ही ठंडा होगा, तो आप भी डुबकी लगाना, हिम्मत करके लगाना। So I have witnessed the Har Ki Pauri Ki Aarti and I am so shocked. I feel कि यहाँ पे ना कम से कम 10,000 लोग हैं, कम से कम, the minimum number I could say that is 10,000, उससे भी ज़्यादा होंगे। मैं आगे क्लिप्स डालती हूँ, आप देख लो, it's crazy. I am shocked. मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई हूँ आज, but that I am witnessing is this, और ये जो मुझे witness करने मिला है, सबसे यहाँ पे भीड़ कितनी सारी है। और आई थिंक ये जो हर की पौड़ी की जो आरती है हरिद्वार में, सबसे बड़ी आरती होती है यहाँ पे, सबसे मतलब आई डोंट थिंक त्रिवेणी घाट की भी जो आरती है उससे भी बड़ी है ये हर की पौड़ी की आरती होती है। सभी मैं आई हूँ यहाँ पे आरती लेने। शांति में तो अभी हम लोग आरती के बाद आए हैं यहाँ पे मार्केट में, बाजू में ही मार्केट है, वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। सब देख सकते हो यहाँ पे इनको कुछ चाहिए था, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, सो हम देखेंगे अभी आगे क्या क्या मिलता है। सो गाइस अब मेरे को ना यहाँ पे अभी एक शॉप मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्ट टॉयज है ये सारा, और यहाँ पे कोई भी आप 2 पीसेस लोगे 150 रुपीज़ में,
लाइक मुंबई से तो एनी डे सस्ता है. सो मैं देख रही हूँ बट आई एम गोना बाय लॉट्स ऑफ देम. सो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लेती हूँ बट मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मुझे कौन सा लेना कौन सा नहीं. आप देख सकते हैं उनके पास पिलोज भी है, रैबिट्स भी है, कितना कुछ है, पैरट्स है, कितने क्यूट है. और ये सिर्फ आप देख सकते हैं 150 में 2 pieces है. लेट्स सी, इमोजीज भी है इनके पास. तो गाइस अभी हम खाने वाले हैं रोड साइड पिज्ज़ा. ये भैया फायर से इधर घाट के आगे बना रहे हैं. काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था तो अभी हमने ऑर्डर किया है. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस टू कम. ये एग्जैक्ट घाट के पीछे ही, हर की बॉल की घाट के पीछे भैया बनाने वाले हैं इनके पास. इसको क्या बोलते भैया? नहीं आपको जो गैस से जो कर रहे हो उसको फायर गन बोलते हैं. अच्छा फायर गन से. हाँ वो फायर गन से इसका पका रहे हैं. तवा पिज्ज़ा ऑन फायर गन. अभी ये बढ़िया सा बना रहे हैं हमारे लिए. हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसे आपको बताएंगे. सो पिज्ज़ा लेके मैं गंगा के पास आ गई हूँ. अभी यहाँ पे बैठ के खाऊंगी. यहाँ पे ये व्यू के साथ खाना एकदम फ्री में खाने मिलता है. मतलब मुंबई में तो यार इसके पैसे चुकाने पड़ते हैं. यहाँ पे आप फ्री में घाट पे बैठ सकते हो और अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हो. काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है. अब इसको खाते हैं हम. सो पिज़्ज़ा मिल गया है. गंगा के घाट पे बैठे हैं. यहाँ पे गंगा बह रही है और यहाँ पे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं. लाइक फ्री का व्यू है हमारे पास. नाउ लेट्स सी इफ वी कैन गेट इट. वाइट कुर्ती ख़राब हो गई, काम ही नहीं है मेरे वाइट पहनने के. लेट्स सी इफ तवा पिज़्ज़ा है बहुत बढ़िया. मतलब तवा पिज़्ज़ा के हिसाब से अमेजिंग. टॉपिंग्स का भी टेस्ट बहुत टेस्टी है. द कॉस्टिंग इज 50 rupees विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. चीज़ मीट भी लगाई है. मतलब चीज़ नहीं है बट चीज़ सॉस है. अच्छा है, लाइक इट, मस्ट ट्राई. गंगा के ऑपोजिट ही है. सो ये था लास्ट एपिसोड ऑफ द ऋषिकेश सीरीज. आई होप आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा होगा. एंड प्लीज स्टे अपडेटेड फॉर मोर व्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स. बाय.